चीज बोलूंगा कि भरत सर को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि उनका उम्र बचपन का, उनका दिल अभी बचपन का है। इस उम्र में ऐसे कमाल है, मतलब सर मोहब्बतें बाकी है और निकाले। सब बहुत अच्छा काम किया है जोया ने, और जो हीरो है भरत गांधी, दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। गुड विशेज, ऐसे ही आगे काम करते रहें और ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में भरत सर के साथ करते रहे वो लोग। और फिल्म की म्यूजिक विनय भैया ने दिया है, बहुत कमाल की म्यूजिक, गाने काफ़ी कर्णप्रिय हैं, सुने बड़ा मज़ा आ। एक्चुअली ऐसे ही म्यूजिक की जरूरत है जो हर जगह सुनने को मिले और हर जगह हम सुन सके। हाँ, मैंने भी इसमें ऑफकोर्स मैं मान गया, बिकॉज बस समय लिए एक अभिभावक जैसे हैं, जब उनका कॉल आया और जब उनसे बात हुई तो उनको मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, दो दिन का मेरा शूट था और एक दिन मैं कहीं और बिजी था जिसकी वजह से मैनेज करना पड़ा, तो सर की फिल्म है तो मानना ही पड़ेगा और काफ़ी अच्छा है। अभी आने वाला है सीन, अच्छा लगेगा। फर्स्ट टाइम अपने आप को पर्दे पे देख के मतलब बहुत हैप्पी हूँ, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, बता नहीं सकती। मैं फर्स्ट टाइम अपने आप को पर्दे पे देख रही हूँ और सच में मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम अपने एक्टिंग को पर्दे पे देखना मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो आप लोग भी जाइए देखिए कि मैं फर्स्ट टाइम काम कैसा की हूँ। आपको इस फिल्म से कोई यादगार एक मोमेंट आपके लिए? हाँ, यादगार है ना, बहुत सारे मोमेंट हैं, जैसे कि एक लास्ट, अभी वो सीन आया नहीं है, इंटरवल हुआ है अभी। सो लास्ट का जो सीन होता है ना मरने का, वो वाला सीन तो मतलब मत पूछिए, वो वाला सीन बहुत ज़्यादा यादगार रहा मेरे लिए। सो देखते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर से। थैंक यू। से कॉन्सेप्ट पे मैंने पहली बार फिल्म की है, जो एक टीनेज लव स्टोरी और उस तरीके का जो एक फ्रेश रोमांस कह सकते हैं हम, उस तरीके से टिपिकल वो नहीं, गांव का ठाकुर या उस तरीके का गरीब अमीर वाला रोमांस नहीं है। दोनों पैरेलल हैं, हीरो हीरोइन दोनों एक उसमें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुछ की गरीब अमीर या छोटे बड़े का रोमांस है, कॉलेज का है, शहर का रोमांस है। और इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे शायद ये पहली फिल्म होगी भोजपुरी में, और ख़ासकर लोकेशन और प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से फिल्म काफ़ी रिच दिखती है। ऐसा कहीं से भी इसको किसी मामले में कोई प्रोड्यूसर की तरफ से हो, डायरेक्टर की तरफ से हो, कोई ऐसा कोताही नहीं है। एक रिचनेस दिखती फिल्म में, एक लेविश सिनेमा लगता है। सर, आपने नए चेहरे के साथ काम किया तो आपको मतलब क्या ऐसा अनुभव रहा आपके लिए? अच्छा रहा, मेरा तो आधी जिंदगी नए चेहरों के साथ ही बीती है। बहुत सारे न्यू फेसेस के साथ मैंने काम किया है और ये लोग दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे थे, दोनों काफ़ी टैलेंटेड हैं। हीरो का आपने देखा होगा डांस बहुत अच्छा करता है और हीरोइन भी, क्यूटनेस जो चाहिए फ्रेशर के हिसाब से वो क्यूटनेस दोनों में, दोनों बहुत इनोसेंट लगते हैं। मतलब ऐसा फिल्म में भी उन पर जुल्म डालने का मन नहीं कर रहा था मेरा। आपने बहुत सारी फिल्म की, बहुत अच्छी, लेकिन आने वाली जो फिल्में हैं हमारे भोजपुरी दर्शक जानना चाहते हैं और कौन कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिसमें सिल्वेस के बाद। ये बड़ा अजीब सा सवाल होता है, सवाल बड़ा कठिन है ये, क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्में याद नहीं रख पाता हूँ, खासकर जब सवाल पूछे जाते हैं तो जिन फिल्मों का नाम नहीं लेता हूँ वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं किसी फिल्म का नाम नहीं लेता हूँ। बहुत सारी फिल्में जो आने वाली हैं बहरहाल, लेकिन इस फिल्म के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और एक बहुत मन से बनाई गई फिल्म है। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रही थी? सर, आपने बहुत सारी फिल्म में काम किया है तो इस फिल्म में आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, ब्रज जी के साथ मेरी दूसरी फिल्म थी, इसके पहले मैंने एक फिल्म बहुत साल पहले की थी देवता, बहुत क्रिस्टल क्लियर है एज डायरेक्टर वो अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, अपने कहानी को लेकर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कितने शॉट्स चाहिए कितना चाहिए ये उनको पता है, बहुत ज़्यादा शूट करके रख लेना वो नहीं है। सब वो घर से निकलते हैं तो उनकी पूरी तैयारी होती है, एज
डायरेक्टर, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। टीम बहुत अच्छी थी फिल्म की, हमारे प्रोड्यूसर साहब नए हैं इस फिल्म में, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने पूरी छूट दी एक निर्देशक रूप में उनको, और सेट पे काफ़ी अच्छा माहौल रहता था। अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का ये। थैंक यू। अच्छी फिल्म है और नए आर्टिस्टों को जो है ऐसे नए प्रोड्यूसरों को प्रमोट करना चाहिए। कहानी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन बहुत कमाल की है। म्यूजिक और सॉन्ग कैसे? बहुत खूबसूरत म्यूजिक, तो मतलब वर्षों बाद भोजपुरी में कुछ ऐसा देखने को मिला है। ये फिल्म पारिवारिक है सर, मतलब फैमिली के साथ? हाँ, फैमिली के साथ ही देखना चाहिए इस मूवी को। मुझे कहाँ कहाँ शूट हुआ है ये तो आइडिया नहीं है, बट जो कुछ भी दिख रहा है बहुत खूबसूरत विजुअल है इसके। एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए। मुझे अभी फिलहाल तो कोई जानकारी में ऐसी नहीं आई है जो YouTube पर रिलीज हुई हो, बट हॉलीवुड में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है। इंडिया में भी अब Amazon, Netflix वगैरह ये सब हाँ पिक्चरें रिलीज कर रही हैं अदर अदर भाषाओं की। कम्स ट्रू जैसे फील हो रहा है। पहले बार जिंदगी में ये सब कुछ खुद अनुभव करी। अभी तक हम दर्शक बन के देखते रहे हैं, अब प्रोड्यूसर के नज़र से उस चीज़ का आनंद लिया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि जैसी फिल्म आपने सोची थी फिल्म निर्माण के पहले वो बनकर पूरी आ गई है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सोचा था वैसा ही दिख रहा है। और आप लोगों को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद आएगी, एक अलग लुक मिलेगा भोजपुरी फिल्मों का। सही बात है, नए थे तो थोड़ा सा झिझक लगता है कि नए बच्चों के साथ में काम करने में, बट दोनों ने अपने तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब मुझे विश्वास नहीं था इतना अच्छा करेंगे, लेकिन वाकई चेंजेस लगे हैं उनके इसमें। ब्रज सर के बारे में क्या कहें, उन्होंने उनसे काम अच्छे से करवा लिया है। बच्चे नए थे और ब्रज सर एक्सपीरियंस रहे, उन्होंने कई नए कलाकारों को मौका दिया है और उनसे बहुत ही अच्छी तरह से काम करवाया है। म्यूजिक के बारे में जानना चाहूँगी, अभी तक हमने जितने लोगों से पूछा हमने म्यूजिक की बहुत तारीफ की है। हाँ, भोजपुरी पिक्चर की जान ही म्यूजिक होता है और यह विनय बिहारी जी का म्यूजिक है, तो सबको पसंद आना ये स्वाभाविक सी बात है। गाने आठ है और आठों ही गुनगुनाने लायक है। मैसेज इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में यदि कम्युनिकेशन बराबर रहे तो समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं। जो हादसे इसके अंदर दिखाया है या जो भी कुछ हुआ है वो टाला जा सकता है यदि पेरेंट्स और बच्चे कम्युनिकेट बराबर करें और आपस में मिलजुल के कोई भी फैसला ले तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है। चूँकि हमारी इच्छा थी कि हर तरह का हर दर्जे के लोग दर्शक हमें मिले, तो मल्टीप्लेक्स के दर्शक अलग होते हैं और सिंगल स्क्रीन वाले अलग होते हैं। भोजपुरी जब मुझे कोने कोने तक पहुंचानी है, हर देश के कोने तक पहुंचानी है, तो मल्टीप्लेक्स में लगाना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल स्क्रीन में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ट्रेंड आजकल इसी का चल रहा है ना, मल्टीप्लेक्स का चल रहा है। तो चूँकि ट्रेंड मल्टीप्लेक्स का है तो भोजपुरी पिक्चर मल्टीप्लेक्स में लगनी चाहिए, यही सोचकर हमने इसे मल्टीप्लेक्स में लगाया। हाँ, बाय चांस नहीं, बाय चांस की बात है। ब्रज सर ने बोला कि मैम अभी आप तैयारी है तो आप बैठ जाइए और अच्छा भी लगता है, किसको बुरा लगेगा किसी सीन में खुद को देखना। ब्रज सर को भी बहुत शौक है, एक हाथ क्लिप तो आनी चाहिए, वैसे वो भी नजर आए और मैं भी। सारे सेम तो नहीं होंगे, बट 50% लोग
लोग तो वही रहेंगे, बाकी नए और कास्ट लोग हम लोग ये करने वाले हैं। कुछ ऑडिशंस होंगे, कुछ नए चेहरे भी हमको लगेंगे, क्योंकि वो पार्ट टू है, इससे अलग ही तरीका ही अलग रहेगा। नॉर्मल लव स्टोरी नहीं रहेगी, अनयूजुअल उसके अंदर सोच रहेगी और स्टोरी लगभग रेडी है, लेकिन स्टार कास्ट चेंज थोड़े से तो करने ही होंगे, तभी लोगों को कुछ नई फ्रेश चीज़ लगेगी। अभी कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। अभी तो यह मुंबई में रिलीज़ हुई है, यह ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट में अभी हमको इसको रिलीज़ करना है। हम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। जब तक हमारे प्रॉपर रिस्पांस समझ में नहीं आता इस पिक्चर का कि लोग क्या चाह रहे हैं, मैं हर कोने से चाहूँगी कि रिस्पॉन्स मिले मुझे। मतलब जो यूट्यूब पर भी जो दर्शक देख रहे हैं हमारी इंटरव्यूज़ को, गानों को, तो वो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग फीडबैक दीजिए कि आप और क्या चाहते भोजपुरी में चेंजेस। मैं इनोवेशन चाहती हूँ, मैं नए प्रयोग करने में विश्वास लगती हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि चलेगी या नहीं चलेगी, मुझे अच्छा लगना चाहिए और दर्शकों को पसंद आना चाहिए, बस यही है। तो इसलिए मैं थोड़ा 2-3 महीने का समय तो लूँगी ताकि फीडबैक लोगों का मिले, रिस्पॉन्स मिले, और फिर मैं नया शूटिंग शुरू करूँ। नहीं, वो रहते हरियाणा में है और उनकी शूटिंग वगैरह का इशू था, अब नए नए ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं ना, तो कैसे कोई नया बंदा नया काम मिला है उसे छोड़ के आए, तो उन्होंने बोला है कि सॉरी मैं अभी नहीं पहुंच पाऊंगा। हालांकि विनय बिहारी जी भी आना चाहते थे, लेकिन संसद सत्र चल रहा है तो उन्होंने भी बोला कि 1 महीने तक मैं बिज़ी हूँ, बट जब यूपी और बिहार में अपने रिलीज़ होगी तो बोले वहाँ पर अप्रैल में, बोले मैं पक्के में आप लोगों के साथ में रहूँगा। सब लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। एक्चुअली क्या लास्ट मोमेंट पर डेट तय हुई ना प्रीमियर की, तो शूटिंग वगैरह के कारण माया जी भी पहुंच नहीं पाई, तो एक्चुअली गलती हमारी हुई है कि हमने 2-3 दिन के शॉर्ट इसके अंदर पीरियड में हमने तय किया कि हमें रिलीज़ अभी इमीडिएट करना है, तो इस कारण सब लोग अवेलेबल नहीं हो पाए। पहले आश्चर्य की बात तो ये है, जो फिल्में देख रहे हैं और उसमें से 50% लोग तो भोजपुरी नहीं है, कुछ मराठी बोलने वाले हैं, कुछ पंजाबी बोलने वाले हैं, कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, और उन्हें भोजपुरी फिल्म अच्छे से समझ में आ रही है, स्पेशली गाने उनको बड़े अच्छे लग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमें ये सब गाने कहाँ से मिलेंगे। मैंने हालांकि बताया है कि यूट्यूब के ऊपर भी कुछ गाने डाले गए हैं और फिर कैसेट्स वगैरह निकलेंगी तो उन लोगों को मिलेंगे। ओके, थैंक यू। अब कौन बस? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.